हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। एक क्वेश्चन आंसर्स जो कल श्रीनगर में होए 29 मई नू थोड़े नाल शेयर किए जाएंगे। एक भाई ने मुझे ये क्वेश्चन शेयर किए थे जिन्होंने अटेंड किया है ये क्वेश्चन आंसर सेशन। श्रीनगर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी जगह है, ठंडी जगह है और वहाँ का एटमोसफियर काफ़ी अच्छा है। जैसे आजकल यहाँ इंडिया के दूसरे पार्ट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उस भाई ने बताया कि संगत बहुत ज़्यादा आ गई थी इस बार। जैसा आप सभी को पता है कि बाबा जी अभी टूर पर हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दी जाती। आपको पता है कि मैं इस बात का बहुत ध्यान रखता हूँ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और दूसरे भाइयों को भी यही एडवाइस देता हूँ, दूसरे पेजेस या चैनल वालों को, कि सिक्योरिटी लीक ना होने दें। प्रोग्राम होने के बाद जो मर्जी बताएं। इंस्टाग्राम अकाउंट भी हमारा प्राइवेट ही है। तो श्रीनगर में इस बार सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हुए थे जो शॉर्ट में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। एक बंदे ने पूछा कि बाबा जी मैं किसी जगह पे पुलिस में हूँ तो मेरा माहौल नहीं बन पाता। बाबा जी ने फरमाया माहौल तो हमने बनाना है और किसी ने तो नहीं, तो ये तो हमारे हाथ में है। फिर उसने कहा बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे दर्शन दिए। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जम्मू के लोगों का इतना प्यार है जो मुझे यहाँ खींच लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी मालिक ने ये दुनिया क्यों बनाई? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा मालिक ने किसी खास मकसद के लिए हमें यहाँ भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी मैं सर्विस से छुट्टी लेके कभी सेवा पे आ जाता हूँ तो क्या उस दिन की सैलरी हक हलाल की कमाई में आएगी? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलना चाहिए, पहले अपनी जिम्मेवारी निभाएं। फिर किसी ने कुछ पूछा था, बाबा जी ने उस पर ये कहा बेटा अगर हम गुरु की मानेंगे तो हम गुरमुख कहलाएंगे, नहीं तो मनमुख। बाबा जी ने आगे फरमाया कि हमारी ज़रूरत क्या है, 2 टाइम की रोटी, रूफ और 2 कपड़े, इसके अलावा हम जो कुछ भी करेंगे तो उसका बोझ हमें उठाना पड़ेगा। फिर किसी ने किस्मत के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा था तो बाबा जी ने फरमाया कि जो जो कर्म करेगा तू वही फिर भोगना बनना, और भी उसे कुछ एक्सप्लेन किया था। फिर उस भाई ने एक और क्वेश्चन बताया कि किसी ने कुछ पूछा था तो बाबा जी ने उसे बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि कोई गुरु आपकी किस्मत, आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई आपके ये कर्म नहीं उठा सकता, आपको अपनी करनी का ही मिलेगा, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं डालना चाहता। फिर एक बहन ने पूछा बाबा जी मैं आगे अगले जन्म में नहीं आना चाहती, तो बाबा जी इस पर मुस्कुराए, अब्बा जी मेरी दादी या नानी को अल्जाइमर्स है और वो बहुत बीमार भी रहती है। बेटा जब मालिक ने किसी रूह को निकालना होता है ना, तब मालिक ऐसे ही ये कर्म ख़त्म करके रूह को निकालता है, तो हमें तो बेटा खुश होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स, और किस किस दोस्त ने श्रीनगर में क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम अटेंड किया है वो बता सकता है। और भी दोस्त अगर क्वेश्चन आंसर्स भेजना चाहते हैं तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं सिंह व्लॉग्स 21 पे, ताकि मैं संगत के साथ शेयर कर सकूं।